देखिए बच्चे लोग, हम लोग लाइट का स्टडी कर रहे हैं। लाइट में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आज का टॉपिक है ये स्फेरिकल मिरर। इसके पहले हम लोग जो है प्लेन मिरर के बारे में जो है डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर में आपको टू टाइप का स्फेरिकल मिरर जो है स्टडी करना है। ये जो है स्फेरिकल मिरर है, अगर देखिए मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि बल्जिंग साइड में, जो बल्जिंग साइड है उस साइड में अगर पॉलिश होता है तो इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। बहुत बहुत इजी बात है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अगर देखिए ध्यान दीजिए, यही जो है स्फेरिकल मिरर है, बट अगर जो है बल्जिंग साइड के जो है अपोजिट साइड में, इन साइड में जो है अगर जो है क्या किया जाए, पॉलिश हो, तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, दोनों बहुत इजी है। फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर बल्जिंग साइड में जो है क्या पॉलिश हो तो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, और अगर जो है इन साइड में जो है स्फेरिकल मिरर के जो है इन साइड में जो है जो बल्जिंग साइड है उसके अपोजिट साइड में जो है क्या हो, पॉलिश हो, तो उसे कॉनवेक्स मिरर कहेंगे। देखिए एक बात बता दें, कॉनकेव और कॉनवेक्स में यही फर्क है कि देखिए ठीक है, इधर पॉलिश है तो ऑब्जेक्ट हम लोग इधर रखेंगे बस। अच्छा, इस वाले में जो कॉनवेक्स मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट जो है इस साइड रखेंगे। बात समझिए, बस दोनों में यही जो है डिफरेंस होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए हम लोग इसके बारे में जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर है इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका स्टडी करेंगे। देखिए वेरियस टर्म एसोसिएटेड विथ स्फेरिकल मिरर, इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो एपर्चर होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म जो है जो हमें स्टडी करना है वो है एपर्चर। बहुत इजी होता है। एपर्चर क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर, बस इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस। मतलब कहने का, देखिए ध्यान दीजिए, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो इफेक्टिव विड्थ है, इफेक्टिव विड्थ से मेरा मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन कैन बी टेक्स प्लेस, इसका मतलब ये हुआ, देखिए सपोज करिए ये कॉनकेव मिरर है तो हम लोग कोई भी रेज डालेंगे, कोई भी रेज इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी रेज स्ट्राइक करेगा तो यहां से और यहां तक इसी के बीच में रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई रेज इसके आउटसाइड स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो ये है, ये जो कहलाता है एपर्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एपर्चर। यहां से यहां तक का जो समझ, सपोज करिए दूसरे शब्द में ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे एपर्चर भी कह सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए ये यम है और यम डैश, तो ये जो यम और यम डैश के बीच में ही ये क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन कर सकता है। ये क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो इसी को एपर्चर कहते हैं,
इसी को क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। सेकंड जो ध्यान दीजिए, सेकंड जो टर्म है वो पोल है। सेकंड टर्म क्या है, पोल है। देखिए बहुत ही इजी टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ अपर्चर, देखिए सेंटर ऑफ अपर्चर इज नोन एज पोल, या आप ये भी कह सकते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ अपर्चर इज नोन एज पोल। देखिए यहां से यहां तक का जो मिडिल पॉइंट है दैट इज पोल, ये पोल कहलाता है। डिनोटेड बाय पी, पोल डिनोटेड बाय पी। एक बात और पोल के बारे में हम आपको बता दें कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है ये पोल को रिफरेंस पॉइंट मानते हुए ही मेजर किया जाता है। ध्यान दीजिए, पोल को जो ही कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो पोल को ही क्या किया जाएगा, रिफरेंस पॉइंट माना जाता है। मतलब हमारे कहने का सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, सारा डिस्टेंस मतलब ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से ही जो है सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अब हम अगला टर्म आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड जो है आपका सेंटर ऑफ बहुत इजी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये थर्ड पॉइंट है। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए एक्चुअल में जो स्फेरिकल मिरर है, ये सपोज करिए कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो जो जिस हालो स्फीयर का ये पार्ट होता है, ये किसी हालो स्फीयर का पार्ट होता है, तो उस हालो स्फीयर का सेंटर, उस हालो स्फीयर का सेंटर, अब जैसे देखिए मैं आपको बताऊं कि इसका जो है ये हमने स्फीयर कंप्लीट कर दिया, तो बताइए इसका कोई न कोई सेंटर होगा, इसका कोई न कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो दैट सेंटर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझिए, कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ हालो स्फीयर जिससे स्फेरिकल मिरर बना हुआ है, उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। तो इसके बाद वाला जो टर्म है वो हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इजी है। देखिए एक बात बताते हैं, ये पोल आपको बता दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया गया, तो वह स्ट्रेट लाइन जो पी और सी से पास हो रही हो, वह स्ट्रेट लाइन जो पी और सी से क्या हो रही हो, पास हो रही हो, उस स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब पी और सी से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है बहुत ही जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है टर्म है, ये आता नहीं है बोर्ड में,
बट ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग को जानना पड़ेगा। अब हम लोग नॉर्मल, क्या नॉर्मल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो टर्म नॉर्मल है ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम करेगा। नॉर्मल एक्चुअल में देखिए, सपोज करिए सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मिरर को मिरर के किसी पॉइंट से क्या किया जाए, जो है ज्वाइन कर दिया जाए। देख ध्यान दीजिए, किसी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिया जाए। तो देखिए यहां से मैंने कहीं भी मिला दिया, ये देखिए ये मिरर का जो आपका ये मिरर का एपर्चर है, इस एपर्चर में किसी भी पॉइंट पर अगर हमने क्या किया, इसको मिला दिया, किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो ये नॉर्मल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। ये इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो है जरा इसका एपर्चर और बड़ा बना दीजिए और यहां से क्या यहां मिला दीजिए, क्या ये भी नॉर्मल ही होगा। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को जो भी लाइन टच करेगी, ध्यान दीजिए, वो नॉर्मल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, नॉर्मल, बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कोई रेज जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सपोज करिए कि मेरे कहने का मतलब यहां से ये अपर्चर पार्ट से जो है मिरर पार्ट से जो है टच है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेज डा जा रही हो तो ये नॉर्मल कहलाएगी। ये क्या, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नॉर्मल के बारे में आप लोग जान गए। अब हम आपको अगला जो है फोकस क्या होता है, अगला टर्म फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फोकस। देखिए फोकस क्या होता है, बार बार मैं कहूंगा, सपोज करिए रेज जो है माना जाता है ऑब्जेक्ट मान लीजिए इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से जो रेज है वो सपोज किया जाता है कि वो पैरेलल आती है, वो क्या आती है, पैरेलल आती है। तो देखिए अगर जो है ये है जो है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रेज होती है, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रेज आती हैं, मैं बार बार आपसे कहूंगा इस बात को समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रेज आती हैं क्या होगी, मिरर से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होते समय ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर, देखिए मैं रिफ्लेक्शन जो है इसका बना दिया, रिफ्लेक्ट कर गई, ये जो है ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट करेगी सब। ये भी देखिए रेज क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर रही है, ये भी रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ये भी रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है प्रिंसिपल एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी। भाई देखिए कोई रेज जो है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो मिरर से स्ट्राइक के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद जो है जो रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान दीजिए, जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटती है, प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटती है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। इसी को कहते हैं फोकल पॉइंट, इसी को कहते हैं फोकल पॉइंट। जरा ध्यान दीजिए,
इसी को कहते हैं फोकल पॉइंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो याद करिए, हम लोग जो टर्म पढ़ रहे हैं फोकस, ये जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट था। देखिए, अब ये जो फोकल पॉइंट है कॉनकेव के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉनकेव के लिए जो है अलग तरीके का होगा और कॉन्वेक्स के लिए थोड़ा उसका तरीका अलग होगा। देखिए, सपोज करिए ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ध्यान दीजिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका अभी अभी हमने बताया प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। हमने अभी अभी बताया कि जो है ये अभी फोकल पॉइंट ए है, इसका मतलब देखिए ये पैरेलल रेज जो है ये कहां से होके गुजरेगी, फोकल पॉइंट से। रिफ्लेक्ट कहां होगी, रिफ्लेक्ट जब होगी तो जो है प्रिंसिपल एक्सिस को कहां काटेगी, जो है फोकल पॉइंट पर। एक रेज और ले लीजिए, देखिए ये भी कहां काटेगी, फोकल पॉइंट पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये जो है फोकल पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को, ये पोल है आपका, या ऐसा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो रियल फोकस कहलाता है, ये एक्चुअल में कॉनकेव मिरर के केस में ये रियल फोकस कहलाता है, ये रियल फोकस कहलाता है। और एक बात और भी, रियल फोकस देखिए क्या हो रही है, दो रिफ्लेक्ट रे जो है, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में रियली मिल रही हैं, रियली जो है मीट कर रही हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रियल फोकस। बात समझिए, और ये जो रियल फोकस होता है कॉनकेव मिरर में, फ्रंट में होता है। यहां रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए देखिए रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। बात समझिए, कॉनकेव मिरर को जो है कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बात समझ लीजिए, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये जो है कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई पूछे आपसे कि क्यों कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे को कन्वर्ज करता है। रिफ्लेक्टेड रे को ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होते हैं, बस इसीलिए ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाते हैं। एक और बात बताते हैं, ये जो इसमें जो है फोकल लेंथ क्या होता है, तो पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिए, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, डिनोटेड बाई देखिए पी एफ। तो पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। और ये बात याद कर लीजिए, ये जो पी सी क्या है, पी सी इज इक्वल टू आर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद कर लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, पी और सी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी एफ इज इक्वल टू एफ। और एक बात याद कर लीजिए, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, एफ इज। अब यहां मैं बताना चाहूंगा, ये जो पी सी है इसको टू पार्ट में डिवाइड करिए, तो जो पी एफ होगा वन पार्ट होगा और एफ सी होगा वो सेकंड पार्ट होगा। इसका मतलब ये और ये क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। तो बताइए पीसी का हाफ जो है, पीसी का हाफ ही तो पीएफ होगा, तो इसीलिए एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर बाई टू। तो ये था आपका फोकल लेंथ और ये था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर जो है इसके बारे में अभी अभी हमने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके पहले एपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, इस भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी बातें आपसे की जा चुकी है। इस समय जो बात हो रही है वो हो रही है कि जो है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो जो हमने कॉनकेव मिरर का फोकस बता दिया, अब फोकस ऑफ कॉनवेक्स मिरर, फोकस ऑफ कॉनवेक्स मिरर, और दीजिए है ध्यान दीजिए फोकस ऑफ कॉनवेक्स मिरर, ये क्या होता है एक्चुअल में। देखिए हमें कॉनवेक्स मिरर बनाना पड़ेगा, ये देखिए, ये आपका सपोज करिए, देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर, देखिए जो बल्जिंग साइड है ये उसके अपोजिट साइड में पॉलिश है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाया है, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया पोल हो गया। अच्छा ये किसी स्फीयर से बना होगा, तो उसका जो सेंटर है सपोज करिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें पॉलिश साइड में आता है, ध्यान दीजिए, और क्यों आता है समझ गए होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश साइड में आता है, इसका मतलब क्या हुआ फोकल जो पॉइंट होगा वो भी पॉलिश साइड में आएगा, वो भी पॉलिश साइड में ही आएगा, क्योंकि अभी अभी कॉनकेव में पढ़े हैं आप लोग, फोकस जो होता है वो पीसी का हाफ होता है, पीसी का हाफ होता है, एफ जो होता है पीसी आर का हाफ होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो एक्चुअल में इसमें भी जो है सपोज करिए ये पैरेलल रेज, हमने टू पैरेलल रेज ले लिया, ये क्या होता है इस केस में ध्यान दीजिए, ये कॉन्वेक्स के केस में ये जो है एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया, ये अगर इसको पीछे मिलाया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा इसको क्या किया जाए पीछे मिलाया जाए, अच्छा बात को समझिए, ये भी क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए भाई मिरर से जो स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगा, बट इस केस में जो कट होगा अपीयर टू डाइवर्ज। देखिए ये क्या हो रहा है एक्चुअल में ये रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है देखिए क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है भाई, रिफ्लेक्टेड रे यहां से देखा जाए तो डाइवर्ज हो रही है, तो या इसी पॉइंट को क्या कहते हैं फोकल पॉइंट। देखिए अपीयर टू डाइवर्ज, ये डॉटेड मिलाया गया है, ये क्या मिलाया गया है डॉटेड मिलाया गया है, तो ये पॉइंट जो होता है फोकल पॉइंट होता है, और पी और एफ के बीच का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होता है, या फोकस डिस्टेंस कहेंगे जो कहना हो कहिए, डिनोटेड बाई एफ, और पीसी जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिनोटेड बाई आर, और केस वही है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। हाँ लेकिन इस केस में फोकस का क्या है, फोकस क्या है बिहाइंड द मिरर है, फोकस बिहाइंड द, देखिए पॉलिश इधर है, पॉलिश इस साइड में है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे
ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर जो है फोकस है, बिहाइंड द मिरर फोकस है। और एक बात और है, ये वर्चुअल फोकस कहलाता है। ये कौन सा फोकस कहलाता है? वर्चुअल फोकस। एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं की है, अपीयर टू कट हो रही है, तो ऐसे फोकस को वर्चुअल फोकस कहते हैं, ऐसे फोकस को वर्चुअल फोकस कहते हैं। और एक बात और बता दें, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। देखिए कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि वह रेज को कन्वर्ज करता है और ये रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। आप देख लीजिए ये डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए ये जो है, मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही आपको बता दिया था कि ये डाइवर्जिंग होता है और ऐसे जो है कन्वर्जिंग होता है, तो इसीलिए ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि रियल इमेज और जो है वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखिए एक्चुअल में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे रियल इमेज, क्या रियल इमेज जो आपका रियल इमेज है, बात समझिए, जब लाइट रे जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, बात समझिए, जब लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करती है, बात समझिए, ये है आपका कॉनकेव मिरर। देखिए यहां पर सपोज करिए एक पैरेलल रेज है, जो देखिए ये क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है। और देखिए मैं एक दूसरा जो है एक और मैंने रेज लिया और ये भी रिफ्लेक्ट के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये आरआर है, ये भी आरआर है, देखिए एक्चुअल में इस पॉइंट पर मिल रही है, देखिए एक्चुअल में इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यहां जो इमेज बनेगा ये रियल इमेज कहलाएगा, ये ऐसा इमेज रियल इमेज कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे कि जो है एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जब मीट होती हैं, एक्चुअल में मीट होती हैं, तो इसका मतलब ये जो इमेज वहां जहां बनेगा, जहां मीट करेंगी वहां इमेज बनेगा, तो वो होगा रियल इमेज। इसका एक और आप जो है डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह इमेज जो स्क्रीन पर जो है प्राप्त किया जा सके, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, द इमेज, ध्यान दीजिए, द इमेज विच कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज
रियल इमेज। तो ये जो है पूरा जीवन भर के लिए याद कर लीजिए कि जो रियल इमेज होता है वो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्लियर समझिए, देखिए ये वर्चुअल इमेज जो है, सपोज करिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये आपका जो है, चलिए आगे बनाएंगे, ये आपका जो है कोई पैरेलल रेज है, मैंने टू पैरेलल रेज ले लिया, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो डाइवर्ज होती है। अच्छा, इसको क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं, इसको भी क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं। तो देखिए एक पॉइंट पर मीट हो रही है, अपीयर टू मीट, देखिये इस केस में अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, इस केस में अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। तो रिफ्लेक्टेड रे जब रियली मीट ना करें, रियल में मीट ना करें, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट हो, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, तो यहां पर जो इमेज बनेगा दैट इज वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज बनेगा, इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन ये हो गया कि ऐसा इमेज, द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन, यहां नॉट लग जाएगा, देखिए द इमेज विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। तो पूछेंगे आप, इसका मतलब पूछना चाहिए आपको कि जो है कहां देख सकते हैं वर्चुअल इमेज को, अगर स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं तो हम लोग कहां देख सकते हैं, तो मिरर में देख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग वर्चुअल इमेज को मिरर में ही सिर्फ देख सकते, स्क्रीन पर इसको नहीं दिखाया जा सकता, ऐसे ही इमेज को स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता। तो आप कहेंगे प्लेन मिरर में भी तो वर्चुअल इमेज बनता है, तो बात समझिए, वो जो प्लेन मिरर है उसका जो इमेज है मिरर में ही देख सकते हैं, उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो इस तरह से जो वेरियस टर्म्स थे मिरर के बारे में वो समाप्त हो गए। अब इसके बाद अगला आइटम अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।